दाखला अंसारी जलालपुर जटा की मरूफ सियासी समाजी शख्सियत उम्मीदवार ब्राय कौंसलर जैन कंठ किसी तारफ के मोहताज नहीं, जो अपने वालदे मोहतरम नसीमुल्ला कंठ मरहूम के नक्शे कदम पर चलते हुए उनके अवामी खिदमत को आगे लेकर चल रहे हैं। जैन कंठ जो बॉडी बिल्डिंग की दुनिया में भी अपने इलाका और शहर का नाम रोशन करके जूनियर मिस्टर पाकिस्तान का टाइटल भी जीत चुके हैं, उनकी शराफत दयानत बुर्दबारी और अवाम से प्यार मोहब्बत देखते हुए अवाम ने उन्हें सियासत में कदम रखने का मशवरा दिया है। मसूफ ने अपने हल्का अहबाब से मशावरत के बाद सियासत के अमली मैदान में उतरने का फैसला किया। मसूफ ने बेल्जियम की मरूफ कारोबारी शख्सियत तहरीक इंसाफ जलालपुर जट्टा के सरपरस्त आला नदीम जिया भट्ट की अवामी और इलाकाई खिदमात को देखते हुए उनकी दावत पर तहरीक इंसाफ में शमूलियत का फैसला किया है, जबकि पार्टी की मुकामी क्यादत ने उन्हें तहरीक इंसाफ यूथ कौंसिल NA63 का सीनियर नायब सदर नामजद करते हुए नोटिफिकेशन भी जारी किया। तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरिएट में होने वाली तकरीब में उन्हें उम्मीदवार ब्राय सूबाई असम्बली हल्का PP32 चौधरी साजद यूसुफ छन्नी ने नोटिफिकेशन जारी किया। जैन कंठ ने कहा कि नदीम जिया भट्ट से हमारा तल्लक भाइयों से बढ़कर है, इंशाल्लाह पार्टी को मजबूत और फाल बनाने के लिए हर मुमकिन इकदाम करेंगे। जैन कंठ का कहना है कि नदीम जिया भट्ट की तरफ से जलालपुर जट्टा मोहल्ला अंसारी समेत मुख्तलिफ इलाकों में फ्री डिस्पेंसरियों का आगाज हुशायंद इकदाम है, जिससे अवाम को मुफ्त तिब्बी सहूलियात की फराहमी जारी है। प्रिंट शाहिद भुट्टा, BBC1 न्यूज़, जलालपुर जट्टा।